आज हम कर रहे हैं नब्स मॉडलिंग में आगे। सबसे पहले कर रहे हैं एक्सट्रूड, कोई भी पाथ के अकॉर्डिंग एक्सट्रूड करने में काम आएगा। तो एक पाथ बना लो, जैसे किसी वॉल के सामने कोई पाइपलाइन है टेढ़ी मेढ़ी, या गली के बीच में वायर्स लगी होती है खंभों के बीच में, वो इजीली बन जाएगी। देखो कैसे, मैंने एक पाथ बना लिया। अब ले लेना एक सर्कल। क्या करना, सर्कल को और शिफ्ट के साथ पाथ को सेलेक्ट कर लेना, देन क्लिक ऑन एक्सट्रूड। देखो कि पाथ के अकॉर्डिंग एक्सट्रूड हो गया पर टेढ़ा हुआ है, तो एक्सट्रूड के विंडो पे क्लिक करना ताकि उसकी सेटिंग की जा सके। यहाँ पे अभी देखो मैं एक्सट्रूड करा रहा हूँ, अप्लाई करा रहा हूँ, तो पाथ के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो आपको एड पाथ और कंपोनेंट ऑन करना है। एड पाथ और कंपोनेंट ऑन करना है, दोबारा बता रहा हूँ, रीसेट करके एड पाथ और कंपोनेंट, सिर्फ ये दो कमांड्स ऑन करनी है एंड अप्लाई, तो पाथ के अकॉर्डिंग जाएगा। अब मान लो आपके दो पिलर्स हैं, ये दो पोल्स हैं, उनके बीच में वायर टांगनी है आपको, ईजिली टांग सकते हो एक्सट्रूड से। मान लो ये किसी एनिमेटेड मूवीज में, एनिमेटेड मूवी के सीन में खंभे लगे हुए और खंभों के बीच में तारे लगी हुई है और वो बनानी है आपको, टेढ़ी मेढ़ी रैंडमली बनाना क्योंकि तारे ऐसी लगी होती है। अलग अलग ले लेते हैं। अब दो सर्कल ले लो, छोटे छोटे से, ठीक है। एक सर्कल इसके लिए लिया, एक सर्कल इसके लिए ले लो, इन दोनों को सेलेक्ट किया और क्लिक ऑन एक्सट्रूड, ऐसे इसको किया क्लिक ऑन एक्सट्रूड, तो बहुत इजीली वायर्स आ जाएंगी। समझ आया कहाँ पे काम आएगा ये चीज बनाने में, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें या पाइपलाइंस बनाने में एक्सट्रूड काम आएगा। कोई डाउट? हिस्ट्री जरूर क्लीन कर लिया करो। तो आपकी एक गली बन जाएगी तारों के साथ, पीछे बिल्डिंग लगा दो। मान लो नीचे फुटपाथ बना रहा हूं, तो एक बॉक्स ले रहा हूं, रोड के लिए प्लेन, ये बन गई आपकी गली खंभों के साथ, रोड एंड फुटपाथ, पीछे बिल्डिंग्स लगा देना। अब है कोई चीज आपको कॉपी करनी है, कॉपी करनी मैंने बता दी थी, पर पाथ के अकॉर्डिंग कॉपी करनी है, एक पाथ बना लेते हैं रफली।
मान लो कोई गार्डन है और गार्डन के बीच में टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, उसके चारों तरफ रेलिंग बनानी है, तो मैं एक बॉक्स दे रहा हूँ क्यूब, मुझे इस बॉक्स को इस पाथ के अकॉर्डिंग कॉपी करवाना है। तो देखो कैसे कराओगे, नोट कर लो हाउ टू कॉपी अलोंग द पाथ। गो टू एनिमेशन मेन्यू, ठीक है, गो टू एनिमेशन मेन्यू, बॉक्स को सेलेक्ट करना, शिफ्ट के साथ पाथ को सेलेक्ट करना, देन गो टू कंस्ट्रेंट मोशन पाथ, एंड अटैच टू मोशन पाथ पे क्लिक। अब देखो कि इसमें एनिमेशन बन गया है, प्ले करके यहां से देख सकते हो, यहां से प्ले, पर हमारा मेन मकसद एनिमेशन बनाना नहीं था, एनिमेशन बना के इसकी कॉपी लेना था। ये एनिमेशन अपने आप बन गया किसकी हेल्प से, कंस्ट्रेंट में मोशन पाथ की हेल्प से। अब हमें इसकी कॉपियां लेनी इस पाथ पे, तो एनिमेशन बनाने के बाद ही कॉपियां आएगी, कैसे? अब जाओ क्रिएट एनिमेशन स्नैपशॉट में, गो टू विजुलाइज क्रिएट एनिमेशन स्नैपशॉट, मतलब जो आप एनिमेशन बनाए उसके अकॉर्डिंग कॉपियां आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अभी करा रहा हूँ, एनिमेशन में भी कराऊंगा दोबारा से। क्लिक ऑन क्रिएट एनिमेशन स्नैपशॉट, अप्लाई, देखो कॉपियां आ गई पर यहीं तक आई। देखो स्टेप वन, टर्न ऑन टाइम स्लाइडर, नोट करते रहना नहीं तो भूल जाओगे। स्टेप वन, टर्न ऑन टाइम स्लाइडर, देन अप्लाई। देखो पाथ के अकॉर्डिंग कॉपियां आ गई, रेलिंग बन गई एक तरह से। समझ आया? देखो फिर बता रहा हूं, पाथ वही यूज कर रहा हूं, पाथ बनाना आप लोगों को आता है, सिर्फ मैं बना रहा हूं बॉक्स। गो टू एनिमेशन मेन्यू, नोट कर लो, सेलेक्ट क्यूब और सेलेक्ट बॉक्स एंड पाथ, गो टू कंस्ट्रेंट, देन मोशन पाथ, देन अटैच टू मोशन पाथ। अब देखोगे प्ले करने पे आपको एनिमेशन दिख रहा है, ये हमने नहीं बनाया, अपने आप बनाया वही मोशन पाथ पे क्लिक करके। अब सेलेक्ट बॉक्स, और प्लीज बैठ जाओ,
ठीक है, गो टू विजुलाइज, क्रिएट एनिमेशन स्नैपशॉट, ठीक है, टाइम स्लाइडर ऑन एंड अप्लाई। देखो कॉपियां आ गई, पर अगर आपको लग रहा है कि गैप बहुत कम है, गैप बढ़ाना है, अगर गैप बढ़ाना है तो इंक्रीमेंट बढ़ाना, अगर गैप घटाना है तो इंक्रीमेंट घटाना। बहुत ज्यादा कॉपियां कर दी, इंक्रीमेंट ज्यादा कम हो गया। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से मैं आपको एक सीन बनाना बता रहा हूं, तो फिर आपको उसके बाद बनाना है वो। देखो ये बनाना है, अब हमें ये सिलेंडर जो ट्रैक है पाथ के अकॉर्डिंग कॉपी करवाना है। इसे बनाने के लिए क्या करो, देखो सबसे नीचे एक बॉक्स बना हुआ है ऐसा, कैसे बनाओगे, एक बॉक्स लिया, कंट्रोल डी, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है क्योंकि इसका पाथ ही ऐसा है। देखो इसका पाथ कैसा है, ये सीधा जाके फिर मोड़ा, फिर सीधा जाके फिर मोड़ा, तो वही मैं कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे है और ये हवा में ऊपर है। अब इसके ऊपर हमें ये वाली रेलिंग बनानी है, तो रेलिंग बनाने के लिए क्या करो, बॉक्स ले लो, बॉक्स से रेलिंग बनाओ या सिलेंडर से, आपकी मर्जी है। कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से आप इसकी कॉपी लो और यहां लगा दो। सिंपल,
अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये वाला बनाना है, ये रेलिंग। तो ये किससे बनाएंगे, उसी से, पाथ से ही। अब क्या करो, टॉप व्यू में जाके इसके अकॉर्डिंग पाथ बनाते हैं। और पाथ हमें क्या बनाना है, शार्प बनाना है। तो शार्प पाथ बनाने के लिए मैंने आपको कहा था, एक मिनट हमें माया थोड़ा बंद करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। रीसेंट फाइल यहां से खोल सकते हो। तो मुझे पाथ बनाना है इसके अकॉर्डिंग वन लीनियर। कोई डाउट किसी को, पैसा समझ आ रहा है, दीपक, सविता, अंकित, कोई डाउट है किसी को यहां तक? पाथ मैंने बना लिया, इस पाथ को एक सर्कल के अकॉर्डिंग एक्सट्रूड करेंगे जैसे अभी कराया था। सर्कल ले लिया और शिफ्ट के आते पाथ ले लिया, और मैंने आपको बताया था सरफेस में आता है एक्सट्रूड, पाथ के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। तो एक्सट्रूड के अंदर हमें ये दो ऑप्शन ऑन कराने पड़ेंगे पाथ के अकॉर्डिंग लाने के लिए। तो देखो बन गया आपका ये। आप सर्कल को अगर छोटा करोगे तो वो अपने आप छोटा होगा। ये रेलिंग बना रहे हैं हम, कंट्रोल डी से कॉपी, रेलिंग बन गई। ठीक है, देन इस पे ये पटरी जा रही है, ये वाली। तो इस पे हमें टेढ़ी मेढ़ी पटरी बनानी है। शार्प क्यों आ रहा है बताओ? लीनियर लो। अब इस पाथ के अकॉर्डिंग मुझे सिलेंडर करवाने हैं कॉपी। कॉपी कराने के लिए क्या बताया था मैंने, सिलेंडर सेलेक्ट किया, पाथ सेलेक्ट किया, गो टू एनिमेशन मेन्यू, कंस्ट्रेंट, अटैच टू मोशन पाथ। पर देखो ये तो ऐसे हो गया, हमें तो 90 डिग्री रोटेट चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आता है मोशन पाथ, इसमें आप इसे रोटेट करवा सकते हो। तो इसे 90 डिग्री रोटेट करा दो। अब मुझे ये कॉपी चाहिए इस पर। कॉपी के लिए क्या बताया था, विजुलाइज, क्रिएट एनिमेशन स्नैपशॉट, लो आ गई कॉपी। कोई डाउट किसी को? यही वाला ना, ये ना, हाँ तो वही एक्सट्रूड जिससे बनाया, इसी यहीं पे एक पाथ बना के सर्कल से एक्सट्रूड कर देना।
और क्यूब से करना हो तो यहाँ पे क्यूब ले लेना। पर इस क्यूब में एक घाटा है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है इसमें, कि सब अलग अलग है। अगर इस क्यूब से करना हो ना, पहले इस क्यूब को अटैच कर लेना, जैसे इलस्ट्रेटर में ज्वाइन आता था ना, यहाँ पे ज्वाइन को बोलते हैं अटैच, कर्व के अंदर अटैच। देखो अगर आपको क्यूब से करना है, क्यूब को ना जोड़ना पड़ेगा, जुड़ा हुआ नहीं आता, क्यूब को जोड़ने के लिए अटैच। लो अब आप इससे ये एक है, जो कॉपी आई होगी पहले वाले को डिलीट मार देना। अब आप इससे एक्सट्रूड करवा सकते हो, जैसे सर्कल से एक्सट्रूड किया था ना, आप इससे एक्सट्रूड कराओ, वही वाला पाथ निकाल लेते हैं जो कॉपी के लिए यूज किया अभी हमने। कोई भी पाथ बना लेते हैं एक रफली, मैं उसके अकॉर्डिंग ही एक्सट्रूड कर देता हूं। लो समझ आया? देखो ब्लैक आ रहा है ना ये, तो आप हमेशा ना इसको ऑन करे रखना, लाइटिंग को, टू साइड लाइटिंग को, तो ये ब्लैक कोई कुछ भी नहीं आएगा। ये टू साइड लाइटिंग का फंडा, लाइटिंग जब आएगी तब समझाऊंगा। कोई डाउट यहां तक? तो आपका आज का असाइनमेंट है इसको मॉडल करना।